किसान भाइयों नमस्कार। मैं फार्मर जर्नलिस्ट कृषि जागरण से चंद्रशेखर। आज हम बरेली गांव के फरीदपुर तहसील के भुता कस्बा के समीप एक गांव पड़ता है रावल कला। यहां हम आप आज आए हुए हैं और आपके साथ आज हम दिखाएंगे कि यहां के कुछ किसान हमारे भाई मेहड़े के चारों तरफ बांस का पौधा लगा लेते हैं। तो किसान भाई बांस की खेती, जिससे ये समय समय पर इसकी उपज प्राप्त हो जाती है और इससे इन्हें बहुत सारे लाभ होते हैं, अब पैसा मिलता रहता है। जैसे हमारे किसान भाई आप देख रहे हैं बांस इन्होंने अपने लगा रखा है। तो बांस के साथ साथ आपको किसान भाइयों ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले बांस की खेती के लिए आपको ऐसी भूमि का उपयोग करना चाहिए जहाँ जहाँ जल निकास अच्छा होता हो, क्योंकि जहाँ जल निकास नहीं होता है वहाँ बांस बहुत अच्छा पैदा नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों आपको बांस के साथ साथ उसकी बढ़वाई लंबाई सबको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ जल निकास नहीं होगा वहाँ पे बढ़वाई नहीं होती है। तो किसान भाई जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो बांस है करीब एक बार लगाने से करीब 30 से 40 साल तक चल जाता है और फिर हेक्टेयर से 2.5 से 3 लाख पौधे तक लगाए जा सकते हैं। अगर किसान भाई बड़ी मात्रा में करना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि बांस है इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, इसको प्रति हेक्टेयर अच्छा खासा पैदा किसान कर सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, अगर और इसके उपयोग बहुत ज़्यादा फायदे हैं। प्रति बांस का सिर्फ 240 से 260 रुपये बिक जाता है। इसकी पत्तियाँ कुछ लोग जानवर के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं और हमारे हमारे बहुत सारी चीज़ों फसलों के लिए भी बांस काम आता है। जैसे कुछ किसान भाई हमारे खीरे खेती करते हैं या टमाटर खेती करते हैं, उनके बांस में उपयोग होता है और बहुत सारे बांस चीज़ों में उपयोग होता है। तो बांस की खेती ज़रूर करें क्योंकि बांस से बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी ज़मीन पड़ी है जहाँ पे बिल्कुल आपकी फसल नहीं हो रही है, भूमि अच्छी नहीं है, जल निकास ठीक है, तो वहाँ पर बांस की खेती की जा सकती है। वहाँ आप पौधा लगा लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाते हैं और आपको अच्छी से अच्छी उपज मिल जाती है। बांस का जो पौधा होता है वो बहुत ही ज़्यादा किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद देता है, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है। एक बार आपको लगाने लागत आती है, अगर आप इसे लगाना चाहें तो भारत सरकार या और अन्य सरकारें इस पर सब्सिडी भी देती है बांस के खेती पे। तो किसान भाइयों बांस की खेती अगर आपके पास है तो ज़रूर करिएगा। तो किसान भाइयों जैसी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अगर आपके पास थोड़ा भी है तो उसे 2, 4, 6, 10 पौधे लगा के आप देख सकते हैं, फिर आपकी मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मार्केटिंग में दिक्कत नहीं आती है, आराम से बिक जाता है। किसान भाई इसे प्रति बांस प्रति हिसाब से बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों जय जवान जय किसान जय हिंद।